हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इन आर थ्री कंसिडर प्लेन्स पी वन वाईक्वल टू जीरो एंड पी टू एक्स प्लस टू वन लेट पी थ्री बी ए प्लेन डिफरेंट फ्रॉम पी वन एंड पी टू विच द इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जीरो फ्रॉम पी थ्री इज वन एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एल्फा बीटा गामा फ्रॉम पी थ्री इज टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज और आर ट्रू तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं इफ इफ द डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट देखो किस तरीके का पॉइंट हमारे पास x1 वन कॉमा वाई वन एक्स वन कॉमा वाई वन कामा जेड वन इस डी तो यहां से d का जो वैल्यू है वो देखो क्या आता है मॉड ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस में d होल अपॉन में आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का तो अब ध्यान से देखो हमें बताया हुआ है कि पीथ्री प्लेन जो है वो डिफरेंट है पी वन और पी टू से और पास कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ पी वन एंड पी टू तो अगर हम पी थ्री की इक्वेशन लिखना चाहते हैं देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स के लिए जो इक्वेशन है किस तरीके से लिखते हैं इंटरसेक्शन जब आ रहा होता है पी वन प्लस में लेमडा पी टू डेट विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि इनका इंटरसेक्शन है ना तो पी थ्री को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है समझ में आ गई ये बात अब देखो हमें फर्दर बताया हुआ है देखो पी टू का इक्वेशन हमें पता है पी वन का इक्वेशन भी हमें पता है ठीक है तो लिख लेते हैं देखो यहां से p3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा p1 p1 से हमें क्या मिलेगा y 0 तो यहां पे y लिखा जाएगा प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो जो कि x plus z है और यहां पे देखो 1 को उस तरफ ले जाएंगे ना तो minus -1 हो जाएगा ठीक है तो minus -1 दैट विल बी इक्वल टू 0 ये बन गया है ठीक है अब हमें फर्दर बताया हुआ है कि ये पास कर करा इंटरसेक्शन पी वन और पी टू से और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जीरो वन जीरो फ्रॉम पी थ्री इज वन और डिस्टेंस बीटा गामा की पी थ्री से टू है तो देखो इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा पहले हमें क्या मिल जाएगा देखो एक्स लेमडा प्लस में वाई एज इट इज आएगा प्लस में जेड लेमडा माइनस लेमडा डैट विल बी इक्वल टू जीरो अब इस प्लेन की जो डिस्टेंस है पॉइंट जीरो वन जीरो से वो हमें पता है वन है तो अगर हम देखो डिस्टेंस लिखना चाहें देखो क्या होगा मॉड ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ सॉरी एक्स टाइम्स नहीं होगा लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स कॉर्डिनेट क्या है हमारे पास जीरो है ना तो लेमडा मल्टीप्लाई में जीरो प्लस में वाई कॉर्डिनेट क्या है वन है तो वन आ जाएगा प्लस में जेड कॉर्डिनेट भी जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई में लेमडा माइनस लेमडा होल अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स के ऑफिसेंट का स्क्वायर यानी लेमडा स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर यानी वन प्लस में लेमडा स्क्वायर एंड डैट विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है वन यूनिट दी हुई है तो यहाँ पे वन आ जाएगा इसका मतलब क्या है देखो अंदर तो क्या बचा हमारे पास में मॉड ऑफ वन माइनस लेमडा यह किसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस में वन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर वन माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये एज इट इज ही आएगा ठीक है इस तरीके से और टू लेमडा स्क्वायर प्लस में वन आ जाएगा इधर होल स्क्वायर ओपन कर लिया तो वन प्लस में लेमडा स्क्वायर माइनस का टू लेमडा इज इक्वल टू टू लेमडा स्क्वायर प्लस में वन ये बन रहा है तो लेमडा स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं बाकी सभी टर्म्स को भी उस तरफ ले जाते हैं तो लेमडा स्क्वायर बन जाएगा प्लस का टू लेमडा बन जाएगा वन माइनस वन तो इक्वल टू जीरो यहां से लेमडा कॉमन कर लिया तो लेमडा प्लस में टू बचेगा डेट इज इक्वल टू जीरो तो लेमडा का वैल्यू एक तो हो जाएगा जीरो और लैमडा का वैल्यू एक हो जाएगा माइनस का टू ठीक है तो जब हम लेमडा इज इक्वल टू जीरो तो रखेंगे ना तो यहां पे पी थ्री का इक्वेशन क्या आ जाएगा डायरेक्ट पी वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता है पी थ्री प्लेन जो है डिफरेंट है पी वन और पी टू से यानी इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल है लेमडा इज इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल है और इसका रीजन भी हम स्टेट कर चुके हैं कि लेमडा इज इक्वल टू जीरो रखने पे देखो यहां पे अगर जीरो रख दे रहे ना तो P3 का इक्वेशन हो जाएगा P1 वन इज इक्वल टू जीरो और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है P3 जो है वो डिफरेंट है P1 और P2 से तो इक्वेशन तो सेम हो नहीं सकता तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस टू रखना पड़ेगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस टू रख के देख लेते हैं इधर से तो यहां से देखो जो पी का इक्वेशन है वो देखो अब क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस का टू एक्स और प्लस में वाई माइनस का टू जेड और माइनस ऑफ माइनस टू यानी प्लस का टू डेट इज इक्वल टू जीरो जाते हैं तो टू जीरो पी थ्री का इक्वेशन हो गया अब पी थ्री की जो डिस्टेंस है पॉइंट एल्फा बीटा गामा से वो टू बताई गई है यानी देखो मॉड ऑफ टू एल्फा माइनस बीटा प्लस का टू गामा माइनस टू होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर होता है फोर प्लस में माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस में टू का स्क्वायर फोर डैट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है टू यूनिट यानी मॉड ऑफ टू एल्फा माइनस बीटा प्लस टू गामा माइनस टू डेट विल बी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में रूट ऑफ नाइन आएगा जो कि थ्री होता है तो टू मल्टीप्लाई थ्री यानी सिक्स हो जाएगा तो अब मॉड हटाएंगे तो देखो क्या बनेगा टू एल्फा माइनस बीटा प्लस में टू गामा माइनस टू विल भी प्लस माइनस सिक्स ये हो गया इसका मतलब क्या है कि अगर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं देखो किसका यहां पे अगर प्लस का साइन लिया पहले तो टू अल्फा माइनस बीटा प्लस में टू गामा और माइनस टू डेट विल बी इक्वल टू प्लस सिक्स और एक केस क्या हो सकता है टू अल्फा माइनस बीटा प्लस टू गामा माइनस टू कैन बी इक्वल टू माइनस सिक्स तो इस तरफ से देखो हमें क्या मिलेगा टू अल्फा माइनस बीटा प्लस में टू गामा अब माइनस टू माइनस सिक्स माइनस का एट हो जाएगा डेट इज इक्वल टू जीरो और इधर से हमें क्या मिलेगा टू अल्फा माइनस बीटा प्लस टू गामा और इधर देखो माइनस टू प्लस सिक्स यानी प्लस का फोर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो ये हमें दो केस यहाँ से मिल रहे हैं तो देखो एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक तो ऑप्शन डी सही है ठीक है और एक यहाँ पे ऑप्शन बी सही है ये दोनों ऑप्शन सही है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक